भारत में कोरोना से बेकाबू हो रहे हालात, पिछले 24 घंटे में 13,586 नए मामले आए सामने, 336 लोगों की गई जान। अब देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या हुई 3,80,532। अब तक 12,573 लोग गंवा चुके हैं जिंदगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए फ्रांस और भारत के बीच 200 लाख यूरो का करार। फ्रांस केंद्र सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने और देश के सबसे कमजोर लोगों की सहायता का करेगा काम। विश्व बैंक द्वारा भारतीय अधिकारियों के सहयोग से बनाई गई कार्य योजना। चीन की हिमाकत के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सीमा पर जारी तनाव को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई दिग्गज नेता बैठक में लेंगे हिस्सा। कई दलों को नहीं दिया गया है न्योता। राजधानी दिल्ली के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत, कहा चीन को पहुंचाएं आर्थिक चोट। चीन के सामान का बहिष्कार करने की भी की गई अपील। चीन ने लद्दाख में अपनी नापाक हरकत को दिया था अंजाम। आज 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए होगा चुनाव। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं की साख दांव पर। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में चुनाव रोचक। झारखंड में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। मणिपुर में गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राज्यपाल से मिले विपक्षी नेता, विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। बीजेपी के कई विधायकों ने हाल ही में छोड़ दिया है पार्टी का साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन आज। पार्टी के दिग्गजों ने दी राहुल गांधी को बधाई। शहीदों के सम्मान में जन्मदिन नहीं मनाएंगे राहुल। कार्यकर्ताओं से 2 मिनट का मौन रखने का किया आह्वान। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध गणेशोत्सव त्यौहार पर भी छाया कोरोना का संकट। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से सादगी से गणेश उत्सव मनाने का किया आह्वान। कहा अभी टला नहीं है संकट। हरियाणा के रोहतक में लगे भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप के कारण कोई नुकसान नहीं। सुबह 5:30 बजे महसूस किए गए झटके। 46 डिग्री तापमान में झुलसती दिल्ली में राहत के आसार। आज राजधानी में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दुनिया भर में अब तक 84,63,533 लोग कोरोना वायरस से हुए संक्रमित। जान गंवाने वालों की संख्या 4,56,000 के पार। कोरोना को 45,30,000 से ज्यादा लोगों ने दी है मात। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक कोरोना से 1,20,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। अमेरिका में 22,63,000 से ज्यादा लोग अब भी हैं वायरस से संक्रमित। एक दिन में 4,084 नए मामले आए सामने। चीन को सबक सिखाने की तैयारी में अमेरिका। उइगर मुसलमान मानवाधिकार कानून पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए दस्तखत। अब चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ सामूहिक उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश पर लग जाएगी रोक। हांगकांग में सुरक्षा कानून पर G7 देशों ने चीन को घेरा। कहा एक देश दो प्रणाली ठीक नहीं। सभी देशों ने चीन से हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का भी बनाया दबाव। ऑस्ट्रेलिया में बड़े साइबर हमले को दिया गया अंजाम। हमले में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों को बनाया गया निशाना। साइबर हमले के पीछे किसी गिरोह या किसी देश का है हाथ, की जा रही है जांच। PF की निकासी या इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। EPFO ने शुरू की मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट योजना। देश भर में कहीं से भी घर बैठे मिनटों में हो जाएगा काम। गूगल के फिटविद सौदे पर ऑस्ट्रेलियाई निकाय ने जताई चिंता। कहा तेजी से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। गूगल ने फिटनेस ट्रैकर फिटविद को बनाने के लिए $2.1 अरब के अधिग्रहण की बनाई है योजना। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर समूह की इकाइयों में कर सकती है निवेश। मुकेश अंबानी और फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी के बीच सौदे को लेकर चल रही है बातचीत। अगले महीने डील की हो सकती है घोषणा। आज 13वें दिन फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 56 पैसे और डीजल 63 पैसे हुआ महंगा। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 78.37 रुपये प्रति लीटर पहुंचा। डीजल के लिए चुकाने होंगे 77.06 रुपये। और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में दिखी 150 अंकों की मजबूती। निफ्टी भी 27.25 अंक की बढ़त के साथ खुला।